तो बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां नदी के बीच बना पुल बना ओवरलोड परिवहन। तो एनजीटी और एससी के आदेशों का दुरुपयोग हो रहा है, प्रतिबंधित है, पोकलैंड मशीनों से काम हो रहा है। तो चलिए, जीवों को नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई का फिलहाल इंतजार है। सरीला तहसील अंतर्गत देवरी खंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां नदी के बीच बना पुल ओवरलोड परिवहन। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नदी के बीच जो है वो पुल बनाया गया है और इस पुल के जरिए अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि एनजीटी और एससी के आदेशों का इस दौरान जमकर दुरुपयोग हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। तो जलीय जीवों को इस दौरान भारी नुकसान हो रहा है। प्रशासन की फिलहाल कार्रवाई का इंतजार है कि कब प्रशासन इन पर कार्रवाई करेगा। इन अवैध जो परिवहन हो रहा है, कब उस पर प्रशासन की नजर जाएगी। तो सरीला तहसील अंतर्गत देवरी खंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नदी के बीच ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अस्थायी तौर पर ये नदी के बीच पुल बनाया गया है और इस पुल के माध्यम से अवैध तरीके से परिवहन हो रहा है, जिसके चलते जलीय जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस तरीके से पुल बनाकर एनजीटी और एससी के आदेशों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे पूरे मामले में सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन कब इस तरह के अवैध परिवहन पर लगाम लगाएगा। सरीला तहसील अंतर्गत देवरी खंड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां नदी के बीच पुल बनाकर ओवरलोड परिवहन किया जा रहा है। एनजीटी और एससी के आदेशों का इस दौरान जमकर दुरुपयोग हो रहा है। तो प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से काम हो रहा है, साथ ही जलीय जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रशासन की कार्रवाई का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि कब प्रशासन इन अवैध परिवहन पर कार्रवाई करेगा। तो सरीला तहसील अंतर्गत देवरी खंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।